हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में और मैं प्रदीप अमल। आज आपको देखेंगे क्या है ये कूलिंग टावर। दोस्त, ये कूलिंग टावर भी कहाँ यूज होता है, क्या है कूलिंग टावर? भाई देखो, डीजी है हमारा, वाटर कूल डीजी है, वहाँ पर भी कूलिंग टावर का यूज होता है। अगर आपका चिलर है तो वहाँ पर भी यूज होता है। तो भाई क्या चीज़ है, देखो पहले तो ये देखोगे ना आप, इस तरह का ये होता है कूलिंग टावर। इसमें क्या क्या चीज़ें होती वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर लेते हैं कि सबसे पहले बाहर से इस तरह का दिखता है, ये फाइबर का बना रहता है। ये किस चीज का बना होता है भाई? फाइबर का बना होता है। इसमें क्या होता है, ये वाली एक नीचे इसमें जो लाइन है ना, ये आउट होती है। इसको क्या बोलते हैं, आउट, OUT, ठीक है। ये एक लाइन जो नीचे वाली होती है ये आउट होती है, ठीक है। आउट मतलब पानी नीचे जाने के लिए। हमारा चिलर में भी ऐसी ही होगी और यहाँ पर भी ऐसी होगी। तो पहली चीज क्या है कि भैया दो पाइप से दिख रहे हैं, एक पाइप सा यहाँ है, एक पाइप सा यहाँ है। तो नीचे वाला पानी पाइप होता है वो आउट का मतलब पानी बाहर जाने का होता है, और ऊपर वाला जो पाइप है ये पानी अंदर जाने का होता है। ये पानी इसके अंदर जाता है, ये चारों तरफ ये फाइबर लगा हुआ है, पूरा कवर होता है टैंक। ये नीचे जो देखोगे ना, ये नीचे क्या होता है, नीचे ये टैंक होता है इसका, या इसका स्टोरेज टैंक कहीं एक तरह से। तो वो होता है इसका कि भाई जितना भी पानी ऊपर से गिरता है वो इसके अंदर गिरता है, और फिर ये इस पाइप के थ्रू हमारा जहाँ नीचे जाना होता है, हमारा जहाँ नीचे जाता है कंडेंसर के अंदर, तो वहाँ चला जाता है। तो ये सिस्टम है इसका यहाँ से आगे का। ये है इन, भाई जब हमारा सिस्टम चलता है तो यहाँ से गर्म पानी, यहाँ गर्म पानी आता है, यहां पर आप देखेंगे यहां पर हॉट वाटर आता है, और यहां से नीचे से कूल, यहां से गर्म और यहां से ठंडा। भाई यहां से ठंडा कैसे करता है वो भी थोड़ा सा समझेंगे। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, वो चीज क्या है कि एक तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको साइड में कर देते हैं और इसको ले लेते हैं। यहाँ पर अब आप देखोगे ना, देखो भी ये हमारा कूलिंग टावर है जो हम बात कर रहे थे, ये कूलिंग टावर है। मैंने कहा था ऊपर गरम, यहाँ पर गरम पानी जाता है ऊपर की तरफ और नीचे से ठंडा निकलता है। तो जब ये ठंडा निकलता है तो इसमें कौन सी चीजें, यहाँ पे ना आप कंडेंसर है, ये चाहे चिलर का कंडेंसर समझ लें या आप जो डीजल जनरेटर होता है उसका कंडेंसर समझ लें कि कंडेंसर है। कंडेंसर जैसे कूलिंग टावर से जो पानी आता है ना वो एक पंप में आता है। भाई पंप होता है, पंप में आप लोगों को पता है एक जगह से पानी खींचता है, पंप एक जगह से छोड़ता है। जहां से पानी खींचता है तो ये पाइप ना उससे कनेक्ट हो जाता है, और जो छोड़ता है वो कंडेंसर, भाई जो कंडेंसर होता है ना हमारा, उसमें यूं घुसता है। ये कंडेंसर है हमारा, कंडेंसर में ये पंप लगा हुआ है, ये पानी खींचा ऊपर से कूलिंग टावर से और यहाँ इस कंडेंसर के अंदर चला गया। ये यही दिखा रहा है आपको, ये देखिए कंडेंसर के अंदर गया। कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में भी जो चिलर है उसमें तो हॉट गैसेज होती हैं। चिलर में क्या होता है, हॉट गैसेज होती हैं। जब वो गैस के कॉन्टैक्ट में आता है ना, गैस के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यहाँ से ठंडा आया ये गर्म हो गया, फिर कूलिंग टावर को ठंडा करता है। अब ये भी जान लेते हैं भी कूलिंग टावर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये समझ लो कि ये पंप कहाँ लगा रहता है, ये थोड़ा सा ध्यान में आना चाहिए कि पंप इससे कंडेंसर से पहले लगा रहता है। कंडेंसर पंप कूलिंग टावर से पानी को खींचता है और कंडेंसर के अंदर देता है, फिर वो उसी प्रेशर से ये कूलिंग टावर तक चला जाता है, ठीक है। ये कंफ्यूजन हमारा क्लियर हो गया, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ये ज़्यादा क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको इधर क्लियर करते हैं और इसको भी हम बोलते हैं भैया तू भी साइड चला जा, अभी तेरी भी इतनी ज़रूरत नहीं है हमें। इसको भी हमने साइड कर दिया। अब हमने पकड़ा तीसरी चीज़ को, ये क्या है हमारा, ये है हमारा कूलिंग टावर। थोड़ा सा बढ़िया सा आप लोगों को दिख जाए उस तरह का इसको बना देते हैं, और
ठीक है, ये हमारा है कूलिंग टावर। मैंने कूलिंग टावर में आपको क्या बताया था कि भाई एक ना पाइप, ये देखो इसको यहां से यूं दिखाया गया है, तो ये बॉडी के बाहर से ही है, जैसे ये इसकी, ये इसकी बॉडी है ना, इसकी बॉडी में यूं दिखा रखा है, इसके साथ में से यूं आया है, तो ऊपर की तरफ पानी गया ये। तो क्या है ये भाई ये पाइप था समझो, यहां से गया और इसके बीच में ना ये स्प्रिंकलर से लगे हुए हैं, इसके बीच में स्प्रिंकलर लगे हुए। स्प्रिंकलर क्या होता है भाई, देखो खेतों में पानी देते हैं, जैसे सावर कहते हैं यार अपने घर में, हम नहाते हैं तो पानी को बिखेर के फेंकते हैं ना, उसको स्प्रिंकलर बोलते हैं। तो जो ये पाइप रहता है ना, इसमें कई सारी ऐसी ब्रांचेज होती हैं, जैसे भाई कूलिंग टावर तो बड़ा होता है, तो ये एक मेन पाइप आ गया, तो उससे यू ब्रांचेज निकाल देते हैं, यू ब्रांचेज निकाल के यहाँ स्प्रिंकलर लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो इस तरह करके जरूरत के हिसाब से उसमें स्प्रिंकलर लगा देते हैं, इसमें भी कुछ लगा देते हैं, तो इस तरह करके स्प्रिंकलर लग जाते हैं इसके अंदर। तो ये स्प्रिंकलर क्या करते हैं, इन स्प्रिंकलर का एक ही काम है कि पानी को बिखेर के घेरना। ये देखो ये लिखा हुआ है स्प्रिंकलर, ठीक है। और इससे पहले इसे ऊपर एक लगा हुआ है भाई, ये क्या है, इसको बोलते हैं सीटी फैन। कई बार होता है सर, अरे सीटी फैन सीटी फैन, सीटी फैन का मतलब हुआ ये क्या है, कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर फैन, ठीक है। सीटी फैन का मतलब हो गया कूलिंग टावर फैन। तो ये जो ऊपर फैन लगा हुआ है, देखो जो ये फैन लगा हुआ है ऊपर, इसको बोलते हैं सीटी फैन। ये क्या करता है भाई, ये ना हवा नीचे से हवा ऊपर की तरफ, जैसे यूं समझे ये हवा कहाँ देता है, ये हवा यहाँ फेंकता है ऊपर की तरफ और यहाँ से खींचता है। जैसे हमारा कूलर होता है, हमारा कूलर कहाँ से खींचता है हवा, जहाँ से घास लगी रहती है, जहाँ से घास लगी रहती है। तो यूँ समझो कि आप यहाँ आगे बैठे हुए हैं, इधर आप बैठे हुए हैं और ये इधर से हवा को खींच रहा है। जब हवा को खींचता है तो भाई यहाँ से तो हवा आएगी, नहीं हवा आएगी, यूं हवा आएगी, देखो यहाँ पे यूं हवा आएगी और यूं होके वो चली जाएगी, इस तरह से यूं आएगी, क्योंकि देखो यहाँ तो पूरा फाइबर लगा है ये, तो ये जो एरिया होता है ना खाली एरिया, यहाँ से हवा जाती है, यूं फैल जाती है इस तरह कर। इससे क्या होगा कि भाई यहाँ से ठंडी हवा आई जो पानी के साथ में से, पानी के बीच में से हवा निकली, पानी के बीच में से निकलेगी तो पानी ठंडा हो जाएगा, ठंडी हवा आई पानी के बीच में से निकली तो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके ये काम करता है हमारा। अब थोड़ा सा और समझते हैं इसको, ठीक है। इसमें हमने ये समझ लिया भाई, इसमें से पानी गिरता है, स्प्रिंकलर का आपको समझ में आ गया, कूलिंग टावर फैन का समझ गया, कूलिंग टावर का जो पंखा होता है उसका समझ में आ गया है। तो अभी क्या होगा, ये हैं, ये फिन्स लगी रहती हैं, ये फिन्स लगी रहती हैं, ये भी फाइबर की बनी रहती हैं, ये पतला फाइबर होता है, फाइबर की सीट होती है बिल्कुल पतले पतले, जब इनका कोई काम नहीं होता, इनको कबाड़ी भी नहीं लेता है। तो ये इनके ऊपर क्या होता है, पानी गिरता है ना, तो पानी के अंदर भाई देखो खारा पानी है, खारा पानी कहीं डालेंगे तो एक परत सी जम जाती है, तो इसके ऊपर भी परत सी जम जाती है, इसलिए इसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। फिन्स कमजोर भी हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो ये फिन्स के ऊपर से, जैसे ऐसे फिन्स सी लगा दी, फिन्स के अंदर से पानी गिरेगा तो और बिखर जाता है भाई। हमारा मोटो फिन्स लगाने से क्या होता, पानी बिखर बिखर के नीचे गिरे, फैल फैल के गिरे, फैल फैल के गिरेगा तो भाई ठंडा जल्दी होगा। जैसे भाई हमने भाई, अरे बेटा जा रहा जल्दी, पानी दूध दूध है, गरम दूध दे दिया, गिलास में दे दिया, अरे ठंडा है, तो वो थाली में डाल देती हूँ, तो क्या होगा, उस पीएच ज़्यादा हो जाता है। तो उसी तरह पानी को जब भी गिरता है ना, तो उसको फिन्स के ऊपर गिरता है, फिन्स यूँ फैला फैला के उस पानी को गिरती हैं, और जब हवा अंदर से जाती है उनके बीच में से, तो और वो ठंडा हो जाता है। देखिए यहाँ देखो लाल ज़्यादा है पानी, नीचे जाता जाता हरा हो गया। तो ये क्या दिखा रहा है कि पानी जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा तो पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इसमें और क्या लगा रहता है, मैंने बताया था आपको ये टैंक है नीचे, ये देखो ये पानी का टैंक है, ये यहाँ पर वाल लगा हुआ, फ्लोट वाल लगा हुआ है, और इसमें ये पानी से ना हमेशा जुड़ा रहता है, वाल हमेशा खुला रहता है, जरूरी है ये भाई। जब हमारा सपोज डीजी या कूलिंग टावर चल रहा है ना, तो पानी कुछ बाहर गिर जाता है, बार बार थोड़ी आएंगे भी, वाल खोलना है उसमें, तो इसलिए ये वाल लगा के रखते हैं, क्योंकि जब भी पानी कम हो अपने आप ये टॉप अप कर दे। इसकी क्लीनिंग भी टाइम टाइम से जरूरी है, इसकी क्लीनिंग भी टाइम टाइम से जरूरी है। क्लीनिंग के लिए क्या कर दिया, ड्रेन
पाइप लगा रहता है, जैसे ड्रेन पोर्ट कहीं पे साइड नीचे दिया रहता है, कहीं पे साइड में दिया रहता है, वो ड्रेन खोल देते हैं और पानी निकल जाता है। पानी जब निकल जाता है, इसके अंदर धूल मिट्टी कचरा वचरा काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसको क्लीन करते हैं और आगे भैया ठीक है हमने इसमें क्लीन कर दिया, क्लीन करने के बाद फिर दोबारा से पानी इसमें टॉपअप करते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, जब हम इसको मतलब क्लीन करते हैं ना, तो जो हमारा वाल रहता है, जो नीचे जाने वाला, जो पानी नीचे जाता है ना, नीचे जाने वाला वाल रहता है, उसको बंद कर देते हैं। और नीचे जो MCB वगैरह हैं, जो जो कुनी टावर की MCB वगैरह है सीटी फैन की, उसको गिरा के उस पर लोटो किट लगा के जब भी काम चालू करना चाहिए, क्योंकि भाई गलती से किसी ने चला दिया तो नुकसान हो सकता है। सेफ्टी का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें थी। ये ओवरफ्लो है भाई, पानी ज़्यादा हो गया, ओवरफ्लो हो गया किसी वजह से, फ्लोट ने काम नहीं किया तो ओवरफ्लो पानी निकल जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया, पानी को मेकअप करने के लिए है, ठीक है। ये है हमारा आउट, ये पाइप है इनका जो मैंने बताया था। तो ज़्यादा कुछ नहीं है कूलिंग टावर के अंदर, बहुत लिमिटेड सी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं होती हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई तो आराम से आपको कूलिंग टावर का लॉजिक समझ में आएगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, अपने किसी दोस्त को शेयर वेयर कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब मिलते हैं यार अगली वीडियो में, और कुछ बेटर समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक करना है, नए हो सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्त को भी भेजना है, बेल आइकॉन तो दबाना भूलना मत, क्योंकि बहुत सारे लोग बेल आइकॉन नहीं दबा रहे हैं, जिसकी वजह से वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता। दोस्त, ये चैनल आपने सब्सक्राइब किया है कुछ सीखने के लिए किया है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।